हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंशिका, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज है ना मम्मा घर पे नहीं है। एक्चुअली है ना मेरे ना कोई रिलेटिव है, वो बीमार है तो वो हॉस्पिटल में, तो मम्मी उन्हें देखने गई, तो घर पे मेरी मम्मा नहीं है। और मेरे को और मेरे भाई को बोला ये भू, तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ बनाती हूँ। मेरा पहला ट्राई होगा ये, पर आज बना के कुछ खिला ही देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी अपने भाई के साथ डिस्कशन करके और यूट्यूब पे देख के ये डिसाइड करा है कि आज मैं बनाऊंगी चिकन। अब देखो, पहली बार इतनी बड़ा रिस्क तो लेना नहीं चाहिए, पर मैंने सोचा आज मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ना मेरी चेरी को चिकन बहुत पसंद है। सपोज अगर मेरे से ख़राब बना है चिकन, ये लोग तो खाएंगे नहीं, मतलब घर वाले, मेरी चेरी खा लेगी, कैसा भी बनाऊंगा ना वो खा लेगी। इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं बनाऊंगी चिकन। तो मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे चिकन कैसे बनाता है, ताकि मैं अच्छा बना पाऊँ। अच्छा बनाऊंगी तभी तो सब खाएंगे। ब्राउन करनी पड़ेगी क्या? तो फिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं, चलो फिर बनाते चिकन। चलें, चलो आ जाओ। मैंने थोड़ा बहुत सामान तैयार कर दिया है। मैं अपने चिकन में डालने वाली हूँ दही, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन मसाला। और पता है मैं ना थोड़े शॉर्टकट वाले काम करती हूँ, ठीक है। चिकन में ना प्याज व्याज कटनी थी, मिर्चें डालनी थी, तो मैंने ना ग्राइंडर में प्याज और मिर्चें दोनों डाल के ना एक साथ पीस दिया उसको। अब ना इसको बढ़िया सा एक पेस्ट बन गया। अब इसको डाल के बनाएंगे ना, ये भी काम करेगा अच्छा बहुत। मम्मी ने एक बार बताया था मेरे को, मम्मी ने बनाया हुआ ये एक दो बार, तो मैंने देखा था तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। इससे टाइम भी बचता है। तो मैं कर रहा हूँ गैस चालू। अरे तो चालू ही नहीं हो रही है। मम्मी कैसे करती है इसको? तो भाई इसके अंदर डालना है तेल। हम लोग यूज करते हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये तेल चिकन में ना थोड़ा ज्यादा तेल गिरता है, क्योंकि वो है ना थोड़ा चिकन के पीसेस जो है ना वो फ्राई करने पड़ते हैं, तो तेल थोड़ा सही होना चाहिए, उसमें भी तेल निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा सही तेल डलता है। हमारा तेल एकदम गर्म हो गया। मैंने क्या किया था, एक है ना डोंगे में चिकन को अच्छे से धो के उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मसाले डाल के उसको थोड़ी देर फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने रख दिया। इससे है ना, पता है ऐसे बोलती है मेरी मम्मी की है ना, मैरिनेट होने से ना मसाले चिकन के अंदर तक घुस जाते हैं, फिर अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो मैरिनेट किया है चिकन आपको कैसा दिख रहा है। आप देखते हैं मैरिनेट होने के बाद दिखता कैसे। ये पहली बार वालों के साथ ऐसे ही होता है, उन्हें पता नहीं होता कब फ्लेम करना है, उनका इसके अंदर भी पानी आ रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे डाल दिया ना तो चटपट बोलेगा और मेरे ऊपर ही सारी छींट आ जाएगी। तो अब इसका मीडियम फ्लेम हो गया था, तो अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पीस, चिकन के पीस मैंने डाल दिया। अब ये जैसे फ्राई हो जाएगा ना थोड़ा अच्छे सा, अब इसको तेज कर देते हैं गैस पर। ये मैंने रख दिया। चिकन बनाना भी कुछ सोखा काम नहीं, बहुत मेहनत लगती। पहले तो ये डालो वो डालो, सामान भी बहुत सारा लगता है। ये देखो ये आ गई, इसको बड़ी जल्दी आती है चिकन की स्मेल। अब जैसे ही पीस फ्राई होके बाहर निकलेंगे ना, फिर इसकी हालत देखना। ये देखो ये ढूंढ रही है अभी चिकन है कहाँ, इसको नहीं पता कढ़ाई के अंदर चिकन है। कढ़ाई से डरती है ये गैस से, तो वहां जा नहीं रही, नहीं तो अभी तक कढ़ाई से निकाल के चिकन अपने हाथ से खा लेती। और फिर नहीं मिलता ना मुझे, मिलता कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता। आज हम भूखे रहते और ये खा पी के फिर सोते। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी हार्ड होनी शुरू हो, इसको हम दूसरी साइड से पलट देंगे। एक साइड से फ्राई हो गई तो इसको हम दूसरी साइड से पलट देंगे। ऐसे ना मैं कम से कम 5-10 मिनट तक इसको फ्राई करूँ ताकि अच्छे से हो जाए, लेकिन एकदम ही इसको इतना ज़्यादा भी नहीं गलाना, ताकि ये कभी हम लोग सब्जी बनाए उसमें एकदम जूसी सी होके फैल जाए। Thank you.
ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा फूड चैनल है और मैं यहाँ पे आप खाना बनाना सिखा रही हूँ। कोई कह देगा मेरा खुद का पहली बार है, खुद का पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से ना कि यहाँ पे मेरे प्याज व्याज रखे हुए थे, यहाँ से उठा के भागने वाली थी, इसको पकड़ लिया तभी हमने को प्याज हमें यहाँ पे ऊपर रखनी पड़ी। भाई बड़ी देर परेशान करती है, हमें खाना बनाऊ इसको बोलो। और हमारे पीसेस एकदम गल गए हैं, अब इसको मैं निकाल लेते हैं। अभी है ना ये बस चेरी को पता नहीं, चेरी को ना मैंने बना दिया, नहीं तो ना अभी वो अटैक कर देती हूँ। इस देर को मेरे पीसेस अच्छे लग रहे ना, मतलब इस मेरा मन कर रहा है इसके ऊपर ऐसे ही चाट मसाला डाल के, नींबू डाल के ऐसे खिला दूँ। देखो टेस्टी लग रहा है, देखने में ही टेस्टी लग रहे हैं, मतलब मैंने इसमें मसाला पहले ही डाला हुआ था तो वैसे ही अच्छे लग रहे थे। अब तो मेरे मन का बस खा लूँ पर अभी नहीं खाना इसको मुझे, अभी मैं है ना मसाला तैयार कर रही हूँ। ये जो मैंने बनाई थी प्याज और मिर्ची की प्योरी, इसको मैं डालूँगा इसमें, इसके अंदर करके इसको घुमा दो ताकि ना ये जो प्याज है ये ऐसे ना वो ना बने अपनी गुठली, प्याज की ना गुठली बन जाती है अगर हम इसको घुमाते हैं। एक मिनट ये देखो ये आ गई, इसको पता चल गया यहाँ चिकन रखा है। आगे मैडम ओ तेरे को नहीं मिलेगी भैया, ये हमारे लिए सारी, तुझे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, चाहिए सॉरी बोल पहले और फ्राई भी करा हुआ है तो हमें इसको ज्यादा ना भुनवाने की जरूरत है, मतलब पकाने की ज्यादा जरूरत है। मैं इसको ढक के पकाती हूँ तो ज्यादा अच्छा कलर आएगा बहुत जरूरी। तो इसको ये इतना बड़ा सा शस्त्र इसको ढकने का, ये देखो देखो ये मेरा चिकन का पीस चुराने की कोशिश कर रही है, देखो भागी 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 भागी। तो अब हम किचन में कढ़ाई और ढक्कन को ढककर आ गए, अब वो 5-10 मिनट लगे हैं पकने में, तो मैं अभी आके अब बैठ गई हूँ रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा थक गई मैं वहाँ पे बहुत ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है भाई देखने में, मन कर रहा है ना खाने का, झूठ मत बोलना मेरे को पता है मन कर रहा है। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। आज तो चिकन बनाया है, बहुत मेहनत लगती है।